जय हिंद साथियों। दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में। दोस्तों आज यूपी पुलिस कांस्टेबल की दोनों ही शिफ्टों के पेपर जो है वो समाप्त हो चुके हैं। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। परेशान इस वजह से है, ज्यादातर बच्चों का एक ही समस्या था, वो था सर टाइम कम पड़ गया। अगर टाइम थोड़ा सा और रहता तो शायद मैं कुछ और क्वेश्चंस सही कर पाता। लेकिन आप सभी भूल रहे कि मैं हमेशा से आप लोगों को कहता था कि स्पीड पर काम करिए। स्पीड, आप क्वेश्चन कितना सही कर रहे हैं मॉक टेस्ट में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्पीड पर काम करिए। मैं जानता हूं कि परीक्षा में स्पीड बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों चूंकि दोनों ही शिफ्टों में जो जीएस के प्रश्न थे वो तो बहुत आसान आए थे, अगर मैं हिंदी के प्रश्नों की बात करूं तो ये भी बड़े आसान आए थे, ठीक है। लेकिन रीजनिंग के जो प्रश्न थे ये आप कह सकते हैं कि मॉडरेट टू हाई, ठीक है। जो रीजनिंग के प्रश्न थे ये दोनों ही शिफ्टों में जो है इनका लेवल अच्छा रहा, ठीक है। मैथ का मैं कहूंगा मॉडरेट थे, मैथ का जो लेवल था वो क्या था, मॉडरेट, यानी ना तो हार्ड आया ना तो आसान आया, मैथ का तो ये कंडीशन रहा। और रीजनिंग का जो है, रीजनिंग में जो क्वेश्चंस थे वो थोड़ा टाइम टेकिंग थे और इसी वजह से बच्चों को थोड़ी समस्याएं हुई। खास तौर से मैं बता दूं बच्चों को किसमें समस्या हुई, मानसिक अभिरुचि, मानसिक अभिरुचि। दोस्तों ये जो मानसिक अभिरुचि है इसकी वजह से बच्चों का समय कम पड़ा। और जितने भी बच्चे कल पेपर देने वाले वो कान खोल के सुन ले, ये जो मानसिक अभिरुचि देख रहे हैं ना, अगर ये आपको दिखे परीक्षा में, सबसे पहले आपको इसको छोड़ करके आगे बढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा क्वेश्चन आपको छोड़ना है, अगर समय बचा तो इसे करना है, अगर समय नहीं बचा तो इसे नहीं करना है। भैया जितने समय में आप पूरे क्वेश्चंस को पढ़ोगे ना, एक एक पैराग्राफ पूरा दिया हुआ है और हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग, समझ में आ रहा है, उतने समय में आप दो तीन क्वेश्चन कर चुके होंगे, दो तीन क्वेश्चन आप निपटा लोगे उतने समय में। तो मैं कह रहा हूं 150 प्रश्न तो आपको अटेम्प्ट करने नहीं है, मैंने 140 का टारगेट बनवाया था, 140 नहीं चलो कोई बात नहीं, 135 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा भी लेवल नहीं है पेपर का कि 135 अटेम्प्ट ना कर पाए आप। दोस्तों जहां मिस्टेक हुआ है वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। बच्चों ने ये मानसिक अभिरुचि को थोड़ा ज्यादा समय दे दिया, इतना समय नहीं देना था। मैंने पहले ही आपसे कहा था भैया जो क्वेश्चन आपको लगे कि ये हमारा टाइम बर्बाद कर सकता है उस क्वेश्चन को छोड़िए, आगे बढ़िए ना, समय बचेगा तो उसको हम कर लेंगे। रहेगी बात जीएस के प्रश्नों को, अब बहुत सारे बच्चे कह रहे सर पेपर हार्ड आया था, पेपर कहां से हार्ड आया था, जीएस के प्रश्नों को उठाओ, दोनों ही शिफ्टों को पेपर को आप सामने रखिए और देखिए जीएस के प्रश्न कैसे आए हैं, एकदम हलवा हलवा। उसमें एक प्रश्न जो सेकंड शिफ्ट में आया है कि 2016 में जब विमुद्रीकरण हुआ, नोटबंदी हुआ, तो उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था, नहीं बता पाएंगे आप। 2014 से तो हमारे प्रधानमंत्री कौन है देश के, श्री नरेंद्र मोदी जी ही तो हैं, अभी भी वही हैं। इसके अलावा पुलिस का नारा क्या है, मैंने एक 20 प्रश्न का मैंने एक वीडियो बनाया था, 20 प्रश्न का पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, केवल 20 प्रश्न मैंने उसमें आपको सॉल्व कराया था। उसमें एक क्वेश्चन यह भी था कि पुलिस का नारा क्या है, सुरक्षा आपके संकल्प हमारा, यही तो है। उसके बाद बहुत सारे आसान आसान प्रश्न, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बता देता हूं, जो सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर है वो जीएस के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। आप लोग कह रहे हो ना कि पेपर हार्ड आया है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। चलिए क्वेश्चन आया कि G20 का पूर्ण रूप क्या है, ग्रुप ऑफ 20। इसके बाद आपका गोदान निम्न में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया है, नहीं बता पाएंगे आप, बताइए, इतना आसान प्रश्न आया है। लैक्टिक एसिड होता है, किसमें होता है लैक्टिक एसिड। इसके अलावा संविधान दिवस कब मनाया जाता है, सब तो जानते हैं कि 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, इतना आसान आसान प्रश्न, अब क्या चाहिए आपको, और भी पढ़ रहा हूं मैं। आपको लग रहा होगा कि सर बस आसान आसान पढ़ रहे हैं, हार्ड हार्ड तो पढ़ा ही नहीं इन्होंने। साइबर क्राइम की शिकायत आपको किस पे करनी होती है, 1930 पे। इसके अलावा और मैं पढ़ के बताता हूं आपको, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है, क्या चाहिए आपको, और बताता हूं। हाँ, राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, रेखी समिति, श्री रंगार रंजन समिति, बेसल समिति, केलकर टास्क फोर्स, बताइए, इतना आसान आसान प्रश्न आया है। नर्मदा निम्न में से किसमें मिलती है, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर। अब एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक कौन थे, बताइए। देखिए क्वेश्चन
हार्ड नहीं आया है, क्वेश्चन का लेवल जो है वो बहुत अच्छा आया है जीएस का, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज मैं बता दूं कि सुबह वाला शिफ्ट जो है, सुबह वाला शिफ्ट मुझे ज्यादा आसान लगा। सुबह वाला शिफ्ट अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा शिफ्ट आसान रहा, तो सुबह वाला। और मैंने कहा था कि चार शिफ्ट में आपकी पेपर होनी है, जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर होगा वो सबसे आसान होगा, सबसे आसान फर्स्ट। एक चीज आप लोग नोट करिएगा, जितने भी बच्चों का कल पेपर है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आज जीएस और हिंदी ये बड़ा ही अच्छा आया था, मतलब बहुत आसान कह सकते हैं आप, इजी आया था, ठीक है। लेकिन कल, कल आपका रीजनिंग बहुत अच्छा आएगा, कल आपको रीजनिंग बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। जीएस का लेवल कल थोड़ा सा बढ़ सकता है। और रह गई बात, आप लोगों मैं बता दूं, आप सभी को अगर कंप्लीट पेपर चाहिए सेकंड शिफ्ट का, तो हमारे टेलीग्राम चैनल प्रभु यूपीपी ऑफिशियल पर जाइए, वहां पे आपको कंप्लीट जो है आपको पेपर मिल जाएगा। इसके अलावा एनालिसिस वीडियो तो तमाम यूट्यूब पे आप लोग देख ही सकते हैं। यार ज्यादा टेंशन मत लीजिए, जो भी आपने सही किया है रहने दीजिए, ऑफिशियल जो आंसर किए वो कुछ ही दिन में आ जाएगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, 3 से 4 दिन में वो आ जाएंगे, मिला लीजिएगा आप, पता चल जाएगा आपने कितना सही किया है। उसके बाद मैं एक फाइनल जो है पोल कराऊंगा, फाइनल एक पोल कराने के बाद ही मैं बताऊंगा कि कट ऑफ क्या जा सकती है। वैसे कट ऑफ मैं बता दूं, जितना मैंने बताया था लगभग दोनों शिफ्टों का पेपर देने के बाद मुझे तकरीबन उसी के आसपास जो है लग रहा है कट ऑफ। दोस्तों आप सभी घबराइए नहीं, पेपर करिए, और जैसा कि मैंने कहा कि ये मानसिक अभिरुचि को आपको शुरू में नहीं करना है, शुरू में मत करिएगा मानसिक अभिरुचि को। अगर आपके पेपर में मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन है तो इनको, जितने भी स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन है उनको आपको, जो आपको लगे कि हाँ समय आपका ले सकते हैं ज्यादा, उनको आपको बाद में सॉल्व करना है, ठीक है। पहले जो आप एक बार में कर सकते हैं उनको करिए, टाइम ना कम पड़े। टाइम कैसे कम पड़ जा रहा है, आपने अभी इतने दिनों से किया क्या? टाइम उनको कम पड़ रहा है जो बच्चे भर्ती के इंतजार में पढ़ाई नहीं किए हैं, टाइम उन्हें नहीं कम पड़ रहा है जो बच्चे एक एक साल से तैयारी कर रहे हैं। और इसीलिए मैं हर बार, हर पिछले कई महीने से मैं चिल्ला रहा था कि आप सभी तैयारी करिए, मन लगा के तैयारी करिए, वैकेंसी आएगा, आपको पेपर के लिए समय नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं, कुछ बच्चों का तो आदत है कि भैया वैकेंसी निकल जाएगा तब हम तैयारी करना प्रारंभ करेंगे, तो यही होता है। फिर अंत में आप कहोगे कि टाइम कम पड़ गया सर, 1-2 महीने और मिल जाते तो और अच्छी तैयारी कर लेता। ये होता है, ये एक्सक्यूज है, ये बहाने पट्टी है, ये सभी बच्चे करते हैं। हमें तो टाइम कम नहीं पड़ा था, पेपर का लेवल भी सेम था। जाके उठा के देख लीजिए आप सभी कि जीएस के क्वेश्चंस कैसे आए थे 41,520 की वैकेंसी में, जाके देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर आपके पास होगा, जाके देखिए कि कैसे जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे। मानते हैं कि रीजनिंग आप लोगों का थोड़ा सा लेवल अप था, लेकिन बाकी सभी चीजें ऐसे ही थी, और जीएस का लेवल बहुत अच्छा आया था हम लोग के पेपर में। एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि संविधान के क्वेश्चन, ये जो संविधान के प्रश्न है ना, ये थोड़ा सा मुझे देख करके आश्चर्य हुआ कि बहुत कम प्रश्न आ रहे संविधान के, कम से कम 4 से 5-6 क्वेश्चन रखने चाहिए था, 5-6 क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों ने संविधान पे बहुत ज्यादा मेहनत किया होगा, ये बात मैं जानता हूं। कोई बात नहीं दोस्तों, कल जितने भी बच्चों का पेपर है उनको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दीजिएगा, बिंदास होकर के पेपर दीजिए, फ्री माइंड होकर के पेपर दीजिए, जो चीजें मैंने बताया उसको फॉलो करिए, आपको प्रॉफिट होगा, आपको जरूर इससे लाभ होगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप सबका कल का पेपर बहुत शानदार होगा। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादातर कल 18 वाले ही होंगे, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अपने सपने को साकार करिए और सफलता के झंडे गाड़िए।